जिब्राइल के जलने का इम्कान है जहाँ तक, नालेने मोहम्मद की रसाई है वहाँ तक। हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी, आंच कुबा हमादारन तू तनहाजारी। कहने से पहले सोचता हूँ कि क्या क्या कहूँ तुझे, जैसे खुदा है यकता यकता कहूँ तुझे, या जैसा रजा ने कहा वैसा कहूँ तुझे। सरवर कहूँ या मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले जैबा कहूँ तुझे। नहमदहु वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वरफाना लक ज़िक्रक सदकल्लाहुल अज़ीम। दोस्ताने मुकर्रम, बिला तमहीद अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। यह महाना ग्यारहवीं शरीफ बज़्मे गौसिया झंडीरवा रोड अड्डा ज़खीरा की जानिब से इसका एहतमाम किया गया। और अभी मुझे अलामा साहब पूछ रहे थे कि बानी बज़्म कौन है, तो मैंने उन्हें कहा कि हम सारे ही बानी बज़्म हैं। तो ये आप अहबाब की वजह से इस बज़्मे पाक का इनाकाद किया गया। रब्बे करीम की बारगाह में दुआ करते हैं कि रब्बे करीम बानी बज़्म आप तमाम हजरात और खसूसन बिलखसूस हमारे भाई मोहम्मद शुएब लाहौर इलेक्ट्रॉनिक सेंटर, आपकी जानब से इसका एहतमाम किया गया। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि रब्बे करीम इनकी ये काविश अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इनको इसका पूरा पूरा अजर अजीम अता फरमाए। दोस्तों ने मुकर्रम सिर्फ 3 से 4 मिनट लेने हैं क्योंकि वक्त बिल्कुल कलील है। और हमने इस बज़्म का आगाज़ किया चंद दोस्तों के साथ मिलकर, और ये वो बज़्म है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जिसका दौरानिया पूरे 1 घंटे के अंदर अंदर ही महदूद होगा। हमारी कोशिश होगी कोई 2-3 मिनट ही ऊपर हो जाए, वगरना 1 घंटे के अंदर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके सामने ज़्यादा पढ़ने वाले मौजूद हैं। तो 1 घंटे का इसका दौरानिया है जो हमने रखा है। ये जो सामने मेरे खला नज़र आ रहा है, अगर पीछे जो अहबाब खड़े हैं ये उठ के आगे आ जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये पीछे वाले दोस्त एक दूसरे के चेहरे की जानब न तकें, आगे आके बैठ जाएं, अल्लाह आपको अजर अता फरमाएगा। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वरफाना लक ज़िक्रक, कि ऐ महबूब हमने आपकी खातिर आपके जिक्र खैर को बुलंद फरमा दिया है। जब अल्लाह अपने प्यारे का जिक्र खैर खुद बुलंद फरमा दे तो हम ये कह सकते हैं कि रब है जाकर मेरे नबी का। जरा बोल दे मोहब्बत से। अच्छा, मैं आपको बार बार नहीं कहूंगा कि सुभान अल्लाह बोलें, अगर दिल कर रहा है तो बोल दें, क्योंकि बज़्म में मौजूद हैं। और ये ऐसी बज़्म है कि जिसमें अल्लाह का, उसके हबीब का और अल्लाह के प्यारों का जिक्र खैर किया जा रहा है। और ये हमने नहीं किया, हमारे बुजुर्गवार और बहुत से दुनिया गुजर चुकी हमसे पहले भी जो ये जिक्र खैर का अहतमाम किया करती थी। तो ये हम अपने बुजुर्गों की सुन्नत अदा कर रहे हैं। और आका का जिक्र खैर जब अल्लाह ने बुलंद कर दिया हो तो खुदा है जाकिर मेरे नबी का, कभी ना ये जिक्र खत्म होगा। अजल से मेरे नबी की महफिल सजी हुई है, सजी रहेगी। जरा मेरी तरफ देख के सुभान अल्लाह बोल दे। सैयदना गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हो, आपकी याद के अंदर आपके इसाले सवाब के लिए इस बज़्म का हमने आगाज किया है। और तमाम अहबाब को मुबारकबाद कि आप मौजूद हैं और आप एक नेकी के काम में मौजूद हैं। बिल्कुल सारा बाजार चल रहा है, दुनिया के काज काम सारे चल रहे हैं, लेकिन आप अहबाब अपने तमाम काम तर्क करके जिक्र खैर की बज़्म में मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह की बारगाह से हमें इसका अजर मिलेगा कि हम अपने आप को जिनका फकीर कहते हैं, हम अपने आप को जिनका फकीर कहते हैं, जमाने वाले उन्हें पीराने पीर कहते हैं। और जो जलने वाले हैं वो जल जल के, बल्कि जल जल के नहीं, जल जल के सड़ सड़ के मिटते जाते हैं। जो कहने वाले हैं वो दस्तगीर कहते हैं। और नबी के नूर से रोशन है उनका सीना, इसीलिए उन्हें रोशन जमीर कहते हैं। और गुलाम-ए-गौस है जरा सुभान अल्लाह बोलें, गुलाम-ए-गौस है तो जा आजाद कर दिया तुझको, गुलाम-ए-गौस है तो जा आजाद कर दिया तुझको, ये मुझे कब्र में नकीरैन कहते हैं। हम अपने आप को जिनका फकीर कहते हैं, जमाने वाले उन्हें पीराने
पीर कहते हैं। दोस्तान मुकर्रम, हाजिरी मैंने सिर्फ इतनी ही पेश करनी थी। खिताब के लिए मैं आपके सामने दावत देता हूँ हमारे मेहमान खतीब चक नंबर 235 से तशरीफ लाए हमारे नहायत मोहतरम हजरत अलामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आजम साहब। आप चल वगर हैं, आपको मैं खिताब के लिए दावत देता हूँ।